नमस्कार। तो कल अपने टॉपिक स्टार्ट किया था वान ठाक गुणांक एवं आयनन की मात्रा में संबंध। आज अपना रहेगा वान ठाक गुणांक एवं संगुणन की मात्रा में संबंध, यानी दूसरा पॉइंट इसका वान ठाक गुणांक किसे प्रदर्शित किया था, आई से एवं संगुणन की मात्रा, मान लिया संगुणन की मात्रा में मान ली अल्फा में संबंध वान ठाक गुणांक एवं संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। माना विलय के एन मोल, यानी विलय उसके कितने मोल ले लिए मैंने, एन मोल संगुणित होकर संगुणित होते हैं एवं संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा अल्फा हो तो, यानी विलय के कितने मोल लिए मैंने एन और संगुणित मात्रा क्या लिए मैंने अल्फा। तो मान लिया कोई विलय है ए, विलय क्या ले लिया मैंने कैपिटल ए, वह संगुणित होकर किसे बदल रहा है बी, इसके संगुणन की मात्रा कितनी मैंने पहले मोल ले लिया मैंने एन, ये संगुणित हो रहा है, संगुणित होकर ही आपस में जुड़कर क्या बना रहा है अणु बना रहा है, क्या बनेगा अपना BN, क्या बनेगा BN, ये संगुणित होकर किस बदल रहा है B में और इसकी संख्या N थी, इधर संगुणित होकर हो रहा है जुड़ रहा है तो BN। तो प्रारंभ में मोल संख्या, प्रारंभ में मोल संख्या कितनी ले ली मैंने एक, ये कितना रहेगा जीरो। संगुणन के पश्चात यानी अल्फा संगुणित होने पर या संगुणन के पश्चात, के पश्चात संख्या कणों की संख्या, तो इस संगुणित हो रहा है तो इसमें से एक में अल्फा शून्य क्या हो जाएगा एक माइनस अल्फा, एक माइनस अल्फा, इधर क्यों हो रहा है अल्फा अपॉन एन, अल्फा अपॉन एन ये इसमें संगुणित हो रहा है। अब इस अपने क्या निकलेगा प्रेक्षित अनुसंख्यक, तो प्रेक्षित कैसे निकलेंगे इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे प्रेक्षित कणों की संख्या, प्रेक्षित कणों की संख्या क्या होता है एक माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, एक माइनस अल्फा दोनों तो अल्फा अपॉन एन, ये अपनी आ गई प्रेक्षित कणों की संख्या। दूसरी सैद्धांतिक कणों की संख्या, सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी होती है एक, मान ली एक। अब अपने प्रेक्षित कणों की संख्या के सैद्धांतिक कणों की संख्या ली, तो प्रेक्षित कणों की संख्या में सैद्धांतिक कणों की संख्या का भाग देने पर क्या निकल जाता अपना वान ठाक गुणांक, तो वान ठाक गुणांक यानी आई बराबर प्रेक्षित कणों की संख्या, प्रेक्षित कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या, यानी प्रेक्षित संख्या में सैद्धांतिक संख्या का भाग देने पर क्या निकलेगा अपना वान ठाक गुणांक। प्रेक्षित संख्या कितनी अपनी एक माइनस अल्फा प्लस अल्फा को एन और सैद्धांतिक संख्या कितनी अपनी एक, तो आई बराबर प्रेक्षित संख्या कितनी अपनी वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, सैद्धांतिक कितनी अपनी वन यानी एक, या अपन लिख सकते हैं आई बराबर
वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। अब इस वैल्यू के नीचे हम क्या मान सकते हैं, एक है तो क्या जाएगा आई बराबर, लघुतम कितना जाएगा एन, लघुतम कितना जाएगा अपना एन। तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर एन माइनस एन एल्फा, इसके नीचे एक तो बड़ा होगा एन, इसके नीचे एक तो एन से क्या जाएगा एन एल्फा प्लस एल्फा, प्लस में एल्फा। अब इस आई के नीचे एक तो वज्र गुणा त्रिशंकु तो क्या जाएगा आई एन, ये बड़ा हो जाएगा आई से एन, तो आई एन बराबर, आई एन बराबर एन माइनस एन एल्फा, एन माइनस एन एल्फा प्लस में एल्फा, प्लस में एल्फा, या आई एन, या आई एन, एन में नहीं इधर ले लिया तो क्या जाएगा माइनस एन, माइनस एन, इधर एल्फा को पहले सीखते तो एल्फा माइनस एन एल्फा, आई को डले तो आई एन माइनस एन, इस अल्फा को पहले लिख दिया अल्फा माइनस एन अल्फा। अब इन दोनों पदों में देखें, इसमें भी एन, इसमें एन को मना जाए तो भाग क्या हो जाएगा एन इक्वल टू आई माइनस वन, एन भाग ले लेंगे तो एन आई माइनस वन बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा में कॉमन ले लीजिए भाग क्या हो जाएगा एक माइनस एन, एक माइनस एन। अभी यदि इससे अपन क्या निकालना है अल्फा, संगुणन की मात्रा क्या है अपनी अल्फा, तो अल्फा बराबर, अल्फा बराबर ए इनटू आई माइनस वन अपॉन ए माइनस एन, ये अपने क्या निकल गई संगुणन की मात्रा, यानी इसे अपने संगुणन अल्फा निकालने तो क्या बचेगा ए इनटू आई माइनस वन, ए इनटू आई माइनस वन अपॉन एक माइनस एन, एक माइनस एन, ये था अपनी संगुणन की मात्रा और वन था गुणांक में संबंध। इस प्रकार का संगुणन की मात्रा अल्फा निकालनी है तो कितने मोल संगणित हो रहे हैं उसकी संख्या दे देगा और वन था गुणांक आई की वैल्यू दे देगा, तो अपन इस फॉर्मूले से उसके संगणन की मात्रा निकाल सकते हो। इस प्रकार अपना यह टॉपिक था वन था गुणांक और वन था गुणांक से संबंधित वन था गुणांक आने की मात्रा में संबंध, और आज का अपना वन था गुणांक के संगणन की मात्रा अल्फा में संबंध। इस प्रकार अपना वन था गुणांक टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, आज के लिए इतना।